तब मुझे आनंद वर्धन सिंह के पास जाना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा कि दरअसल ये मैं ये बात को बहुत मजबूती से इसलिए नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, जब नरेंद्र मोदी की बात आती है और विधानसभा के चुनाव अगर आप देखें 2017 का 2022 का, तो अपर कास्ट 80% से ज्यादा जाता है बीजेपी को वोट करता है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा जा रहा था ब्राह्मण तो बहुत नाराज है, और जब CSDS की रिपोर्ट आई 86% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपूत नाराज होंगे, उनकी अपनी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन वोट तो अंत में वही गिरेगा कमल पे। नहीं, मैं आशुतोष जी, मैं राजपूत को के तो बात वो नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बताऊं, दो तीन चीजें। एक तो पहले ये भी देख लेना चाहिए कि 2014 में ये 8 की 8 सीटें बीजेपी की थी, तो 2019 में रिवर्सल हुआ था। और जैसा हरिशंकर जी ने आनंद जी एक मेरा आवेदन निवेदन है कि आप राजपूत हो के बात मत करिए, बट राजपूतों के मानस को आप समझ सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से बात करिए। नहीं, मैं राजपूत उसमें भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत केक वॉक था ऑपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन ने 2019 में उस कॉम्बिनेशन में सीट को छीना था और उसमें ऐसा लगा था कि BSP को, जैसा हरिशंकर जी ने कहा, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, सपा के वोट ट्रांसफर हुए थे, BSP के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। Having said that, एक दो चीजें ध्यान में रखनी होगी और फिर मैं राजपूत वाले पे आ जाऊंगा क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल बोलूंगा। ये चीज ध्यान रखनी है, पीलीभीत को छोड़ के इन 7 सीटों में मुस्लिम मतदाता 41 से 50% के बीच, 51% के बीच। अगर बिजनौर में 41 है तो रामपुर में 51% है, इसके बीच वेरी करता है। और एक जो हरिशंकर जी ने बात कही, 2022 का जो बाई इलेक्शन था, जो रामपुर में कहा जाता है कि भाई बीजेपी ने जीत ही लिया पेपर पे, वहां पे 2019 में 10,61,000 वोट पड़े थे और 2022 में 7,07,000 वोट बाई इलेक्शन में पड़े थे। ये अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं होता। और सबको पता था कि सरकार ने मतलब पुलिस को घरों के सामने लगा के मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया था। अगर 51% वोट है और उसके बाद अगर कोई और जीत रहा है तो ये अजीब सी चीज है। अब मैं आ जा रहा हूँ जरा राजपूत की बात से। राजपूतों की बात जो मैं भी आपको बताऊं, मुझे जब शुरू में ये वहां पे चला रूपाला जी का और हुआ, तो मेरे पास भी बहुत फोन आते थे, बहुत लोग कहते थे, मुझे लगता था ये सब क्या है इससे कोई। और जैसा आपको था मुझे भी लगा कि अंतोगत्वा राजपूत वहां जाएंगे, लेकिन जो मेरी समझ और जो मेरी एनालिसिस समझ और सूचना है उनके अनुसार ये कोई राजपूत बाहर के नहीं है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। और अंदरूनी जो राजपूत है वो किन्हीं भी कारणों से, अब कारण यहाँ पे ये है कि संगीत सोम और उसकी बलियान की सीधे सीधे वो है, संगीत सोम ये मानते हैं कि उनको बलियान ने हराया था, तो वो पुराने अपने उनको ठीक करने के लिए इसको शायद राजपूतों को और हवा दे रहे हैं। एक खबर ये भी है कि योगी जी को भेजा गया था कि भाई जाके इसको ठीक करके आइए, तो कुछ लोग कह रहे हैं बताया ठीक करने के उन्होंने और हवा का ही काम किया है कि ये अगर हवा और बढ़ जाए तो मामला और ठीक हो जाएगा, इस तरह की भी चर्चा है। भाई किसी को मालूम नहीं उन्होंने जाके क्या कहा, क्योंकि संगीत सोम के साथ वो लगातार दिखाई दे रहा है, योगी जी संगीत सोम के साथ लगातार दिखाई देते हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं रहता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान में भी मामला चल रहा है, तो वो राजस्थान में अभी से नहीं, जो पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें भी वो जो राजपूत मानस था वो भैरव सिंह शेखावत से अपनी लीडरशिप लीगेसी अपनी वो भैरव सिंह शेखावत से ड्रॉ करता, और भैरव सिंह शेखावत की लीगेसी को जिस तरह से किनारे किया गया, वो चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे उनके दामाद हो चाहे मैं, तो वो डिटेल, तो वो राजपूत बीजेपी का राजपूत अपने पुराने हिसाब चुकाने के लिए लामबंद हो रहा है। तो अब वो बीजेपी का राजपूत अंतोगत्वा जाएगा नहीं जाएगा, इस बार थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है वहां पे जाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कहीं कोई एक ट्रिगर पॉइंट आपको चाहिए होता है, तो शायद ये ट्रिगर पॉइंट राजपूत का बन के बड़ा हो गया। नहीं तो गुजरात में रूपाला वाला मामला ऐसे कैसे हो सकता था, जहां पे ये पिछले 24-25 साल से रूल कर रहे हैं, किसी को हटाया, किसी को गिराया, किसी को कुछ किया, वहां पे भी इस समय राजपूत का मामला कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसा हरिशंकर जी ने कहा, मेरे पास जितने सूचनाएं हैं और वो हैं, उसमें से आज की तारीख में 5 जगहों पे बिल्कुल आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, 3 पे लड़ाई है,
और ये 5-3 है, क्योंकि मेरे हिसाब से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुर में, हाँ रामपुर में भी ठीक है, रामपुर, पीलीभीत, जितिन, इसमें सबसे बुरी हालत जितिन प्रसाद की है। जितिन प्रसाद की हालत वहां पे लोकल बुरी इसलिए हो गई है कि जब मोदी जी पहली बार 10 साल में पीलीभीत गए भी, तो अब जो भी कारण रहा, उन्होंने वरुण गांधी तक को वहां बिठाने का नहीं किया। और वरुण गांधी का अपना एक 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 अपना है, मतलब मेनका गांधी वहां से 6 बार सांसद रही, वरुण गांधी 2 बार रहे। और अगर कोई कहीं से सांसद रहता है, ये आप भी समझते हैं जो हम सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई से ना हो। अगर कोई 8-8 बार का एक परिवार से सांसद है, तो आज भी मतलब मैं अपने घर का बता दूं, मेरे यहाँ कोई सांसद नहीं है पिछले 2-3 इलेक्शन से, लेकिन आज भी अगर चले जाएं तो 10-20-50 हजार लोग तो इकट्ठा कर ही लेंगे। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और जिनको जिनको टिकट दिया है वहां पे वो गंगवार को, वो कुर्मी है, और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की वहां, करीब 2.5 लाख वोट कुर्मियों के हैं। तो वो जो मेरा अंदाज ये है कि पीलीभीत पे भी पड़ना इनका भारी है। जहां पे ये फाइट कर रहे हैं, वो इकरा हसन को मेरे हिसाब से वो इसलिए फाइट कर रहे हैं कि वहां पे थोड़ा लड़ाई आप कह सकते हैं, प्रदीप कुमार जी भाई उनके वहीं के हैं, ट्राइंगुलर बिजनौर में मेरे हिसाब से थोड़ी फाइट है, क्योंकि चंदन चौहान का कितना वो है, कुछ लोग आरएलडी के वो हैं, जयंत चौधरी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और एक नगीना में सरप्राइजिंगली, मतलब हरिशंकर जी इसको ज्यादा ठीक बताएंगे, चंद्रशेखर नॉन स्टार्टर हो गए, जो हम लोगों को उम्मीद थी कि चंद्रशेखर सबसे आगे बढ़ेंगे, सबसे आगे चलेंगे। चंद्रशेखर, अब वो कारण ज्यादा हरिशंकर जी बता पाएंगे, लेकिन शायद वहां चंद्रशेखर जी नॉन स्टार्टर हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।